त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में आज शिवपुरी में ओबीसी महासभा और संयुक्त मोर्चा तथा बहुजन समाज पार्टी द्वारा शक्ति प्रदर्शन करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रैली निकाली गई, जिसमें रैली का समापन जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में SDM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए किया। ओबीसी आरक्षण को निरंतर रखने के लिए सहयोग करते हुए BSC के जिला अध्यक्ष नेतृत्व ओबीसी का साथ देते हुए अपनी टीम के साथ मुख्य मार्गों से रैली निकाली और कलेक्ट्रेट परिसर पर पहुंचकर ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देश की आजादी के बाद से आज देश प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी स्वरूप अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की लगभग 50% आबादी निवासरत है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भी OBC वर्ग से ही संबंध रखते हैं। समान परिस्थितियों के बावजूद भी OBC वर्ग के प्रबुद्ध जनों, युवाओं और छात्र छात्राओं के हित पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों और उच्च न्यायालय में बैठे जातिवादी मानसिकता के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज़ादी के इतिहास में आज तक OBC आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जाना है और तो और प्रशासन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत विचाराधीन याचिकाओं में लंबित निर्णायक भूमिका में OBC वर्ग का जातिगत आंकड़ा वर्तमान शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध न कराया जाना, बोले वाले OBC वर्ग को ठगने की कोशिश, निम्न प्रशासकीय क्षमता, लोकतंत्र में संविधानिक व्यवस्था को लागू न करना और गैर मानवतापूर्ण कुकृत्य तानाशाहीपूर्ण रवैया संविधान में अविश्वास की धारणा को इंगित करता है, जो कि विश्व पटल पर एक महान लोकतांत्रिक देश का अपमान है। OBC महासभा की मुख्य मांगे निम्न अनुसार है। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में OBC को 51% आरक्षण लागू किया जाए। मध्य प्रदेश एक रैली निकाली गई है, किस तरह की रैली थी और क्या ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन दिया गया है कि पंचायत चुनाव में हमारा आरक्षण OBC का खत्म कर देगा। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर OBC के साथ जो हक और अधिकार छीनने का सरकार काम कर रही है, उसके अन्याय के खिलाफ हम लोग ये सड़कों पर आए और आगे भी ये चेतावनी देना चाहते हैं। अगर OBC के हक और अधिकार उनको देने का काम नहीं किया तो एक ऐसा आंदोलन होगा कि भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार इसको याद करेगी। पिछली बार आपने कहीं ना कहीं न्यायालय को भी इसके लिए दोषी ठहराया था, क्या अब भी मानते हैं न्यायालय दोषी है? देखो सर, मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान में 3 बॉडी होती है, एक न्यायपालिका और अपनी क्या नाम है जिसको कार्यपालिका और विधायक, तीनों बॉडी में आप देखेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार जब अपना कोई कानून पास करना होता है न्यायालय में लोग पास करवा लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी विचारधारा के लोगों ने OBC के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि ये मनुवादी विचारधाराओं के खिलाफ भी हम धरना देंगे और हम अपना हक जो अधिकार है जुडिशरी यानी न्यायपालिका में भी लेने का काम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।